नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी पे आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं श्री अभय दुबे, और हम क्यों इस बात को कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभय दुबे जी देश के ऐसे टिप्पणीकार हैं जो सिर्फ देखकर टिप्पणी नहीं करते, देखते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद विश्लेषण करते हैं। इसीलिए अभय दुबे का नाम देश के राजनीतिक सामाजिक विषयों पर टिप्पणी करने वालों में सबसे प्रमुख है। अभय जी, आपका स्वागत करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, और आपसे सवाल ये पूछना चाहते हैं जिसके ऊपर हम टिप्पणी चाहते हैं, वो ये कि एक शब्द है राजनीतिक स्थिरता। इस राजनीतिक स्थिरता का मतलब क्या होता है? क्या राजनीतिक स्थिरता देश के लिए बहुत सही चीज है? अस्थिरता सही चीज है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में विकास के लिए, देश में जिसको कहते हैं कि विकास के लिए संसाधन लाने के लिए? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में उठ रहे हैं जिनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न यही है अमित भाई कि राजनीतिक स्थिरता का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, राजनीतिक स्थिरता दो किस्म की होती है और जब दोनों किस्में आपस में जुड़ जाती हैं तब फिर राजनीतिक स्थिरता काफी अच्छी बनती है, प्रभावी होती है और दीर्घकालीन रहती है। पहली किस्म तो यह है कि एक पार्टी या एक किसी गठजोड़ के पास में पूर्ण बहुमत हो और उसका एक सुनिश्चित नेता हो और उस नेता के प्रति जो है सभी लोग उसके प्रति जो है उस नेता 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 में अपना विश्वास आरोपित करें। उसके पास संख्याएं हो, मतलब सदन के अंदर उसके पास संख्या हो और संख्या ऐसी हो जो आसानी से इसको गड़बड़ाया ना जा सके, तो राजनीतिक स्थिरता का एक पहलू। दूसरा राजनीतिक स्थिरता का पहलू यह है कि बाहर समाज में भी उस नेतृत्व की पूरी साख हो, समाज भी चाहे कि यही सरकार बनी रहे, यही सरकार बनी रहे। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे जबकि पार्टियों के पास में और मुख्यमंत्रियों के पास में, प्रधानमंत्रियों के पास में पूर्ण बहुमत होता है लेकिन समाज में उनके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहे होते हैं, उनकी कोई साख नहीं होती है, लोग उनको गरिया रहे होते हैं और उनका मजाक उड़ रहा होता है और प्रतीक्षा कर रहे होते हैं लोग, कभी सरकार गिरे तो अच्छा हो और नई सरकार आए, और उसके खिलाफ जब भी वो बात बोली जाती है लोग उसको हाँक वाँक लेते हैं। तो बहुमत होते हुए भी, पूर्ण बहुमत होते हुए भी मैं उसको अच्छी राजनीतिक स्थिरता नहीं मानता, प्रभावी राजनीतिक स्थिरता नहीं मानता। राजनीतिक स्थिरता वो है जब पूर्ण बहुमत भी हो और सार्वजनिक जीवन में, जनता के बीच में उस सरकार की साख भी हो, लोग उस सरकार से उम्मीद भी लगा रहे हो, तो दोनों मिलाकर राजनीतिक स्थिरता बनती है। तो हमारे यहां तो दो उदाहरण हैं। एक राजीव गांधी का उदाहरण है जिनके पास पूर्ण संख्या थी सदन में, और दूसरा दूसरा उदाहरण नरेंद्र मोदी जी का है अभी हाल के विषयों में। मैं इंदिरा जी को और जवाहरलाल जी को इससे अलग करता हूं बातचीत से, पर ये जो दो उदाहरण हैं, इन दो उदाहरणों को आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि किस प्रकार के स्थिरता के उदाहरण हैं? देखिए, राजीव गांधी ने जब 1984 में चुनाव लड़ा तो उन्हें हमदर्दी की लहर का फायदा हुआ, इंदिरा जी की हत्या हुई थी और उन्हें अपने नाना जवाहरलाल नेहरू से भी बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ, 400 से ज्यादा उन्हें सीटें प्राप्त हुई, तो वो एक चार सौ अभूत चौदह 414 वहां भारतीय लोकतंत्र का एक अभूतपूर्व क्षण था जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। और उस जबरदस्त जीत का लाभ राजीव गांधी ने अपने शुरुआती दौर में काफी उठाया। उन्होंने पंजाब समस्या जो बहुत विकट थी, वो पूरे लोकतंत्र के ऊपर एक बोझ की तरह लदी हुई थी, उसको हल करने की तरफ वो ले गए। मिजोरम में जो प्रजातंत्रवादी आंदोलन था उसको हल करने की तरफ ले गए। उन्होंने कई ऐसे, राजीव गांधी ने कदम उठाए जिससे लगा कि वो एक नई राजनीति करना चाहते हैं, एक ऐसी राजनीति करना चाहते हैं जो उत्तरोत्तर सफलताओं के मुकाम तक पहुंचती चली जाएगी। लेकिन बहुत जल्दी ही उनकी सरकार कि ये पहलकदमियां जो हैं उनका प्रभाव क्षीण हो गया और जल्दी ही प्रशासनिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से और तमाम दृष्टियों से राजीव गांधी की सरकार के पास पूर्ण बहुमत रहते हुए भी उस सरकार की साख सार्वजनिक जीवन में गिर गई। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके मंत्रिमंडल में जो अच्छी छवि के मंत्री थे जैसे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह,
वो उनके सरकार को छोड़ के बाहर आ गए और पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी थी। तो राजीव गांधी की राजनीतिक साख में लगातार गिरावट होती चली गई और अब उनके 5 साल पूरे होने के काफी पहले ही राजीव गांधी वैसे प्रधानमंत्री नहीं रह गए जैसे वो 1984 में अपना चुनाव जीतते समय थे। इसके मुकाबले जब हम नरेंद्र मोदी को रख के देखते हैं तो हम पाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने न केवल 2 जबरदस्त चुनाव जीते हैं बल्कि उन्होंने अपनी सार्वजनिक जीवन में अपनी साख को कायम रखने में भी सफलता प्राप्त की है। ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे लगा कि उनकी साख गिरने वाली है। ऐसी कई घटनाएं हुई, उनके कुछ कुछ उनके ऐसे कदम थे, कुछ और भी परिस्थितियां थी जिनके तहत एक बार लगा कि उनकी सरकार में भगदड़ मच जाएगी और सार्वजनिक जीवन में उन्हें उठ रहे प्रश्न है उनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और जल्दी ही उनकी लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो नीचे गिरने लगेगा। लेकिन जो उनके विरोधी थे और जो उनके आलोचक थे, नरेंद्र मोदी ने बार बार उन लोगों को गलत साबित किया और आज स्थिति यह है कि 6 साल से ज्यादा सरकार में रहने के बावजूद उनकी राजनीतिक साख में लगातार इजाफा ही हुआ है, वो कम नहीं हुई है उनकी राजनीतिक साख, और उनके विरोधी उनके विरोधियों की साख उनके मुकाबले पहले के मुकाबले और गिरी है। तो ये स्थिति बताती है कि राजनीतिक स्थिरता की जो क्लासिकल अवधारणा है वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के ऊपर पूरी तरीके से खरी उतरती है। तो ये मैंने जो शुरू में सवाल पूछा था उसका आधा हिस्सा रह गया कि राजनीतिक स्थिरता किसी भी सरकार को निरंकुश बनाएगी, देश को विकास के रास्ते पर ले जाएगी या नहीं ले जाएगी, देश के लोगों की जिंदगी में कुछ खुशहाली आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जहां से शुरू हुए थे और जहां से वायदे हुए थे, वो चाहे नरेंद्र मोदी रहे हों चाहे राजीव गांधी रहे हों, दोनों राजनीतिक स्थिरता के उदाहरण हैं जो आपने बताए, और इन दोनों ने अपने किए हुए वायदों को कितना ज्यादा पूरा किया या लोगों ने उनको कितना माना कि इन्होंने वायदे पूरे किए, मैं उस संदर्भ में भी राजनीतिक स्थिरता को आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, राजीव गांधी ने पहला चुनाव लड़ा वो जीत गए लेकिन दूसरा चुनाव वो नहीं जीत पाए और उन्हें एक गठजोड़ सरकार के लिए छोड़नी पड़ी। नरेंद्र मोदी का उदाहरण ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव लड़ा वो जीता और दूसरा चुनाव उससे थोड़ा बेहतर जीता, उनके वोटों का प्रतिशत बढ़ा और उनकी सीटें भी बढ़ी। तो इस लिहाज से नरेंद्र मोदी राजीव गांधी के मुकाबले एक बेहतर राजनीतिक नेता साबित हुए, उनकी तुलना उससे नहीं की जा सकती, उनसे नहीं की जा सकती। और उसका एक कारण है, उसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी का एक वेलफेयर मॉडल है। हम उनसे सहमत हो या असहमत हो, हम उनकी आलोचना करें या ना करें, मतलब उनका एक वेलफेयर मॉडल है, उस वेलफेयर मॉडल पे उनकी सरकार लगातार अमल करती है और उस मॉडल में लगातार संशोधन और सुधार करती रहती है। इसलिए समाज का एक खास तरह का हिस्सा जो है वो उनकी तरफ उम्मीदों के साथ देखता है। अगर आप विश्लेषण करें तो नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत ज्यादा कामयाब सरकार नहीं दिखती, अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, विदेश नीति की स्थिति जितनी भारत के इतिहास में कभी भी इतनी खराब नहीं हुई जितनी 1962 के बाद। सबसे ज्यादा चीन के मसले को अगर आप देखें, नेपाल के मसले को आप देखें और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के सवाल को देखें तो विदेश नीति बहुत खस्ता हालत में है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने पहले कहा, बेरोजगारी की बहुत बुरी हालत है, अर्थव्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, ये कोरोना की महामारी ने उसमें और इजाफा किया है, और इन सब में सरकार की विफलताओं का योगदान है। ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गई स्थिति खराब, स्थितियां पहले से खराब थी, ये सरकार उसको ठीक करने में नाकाम रही। हम लोगों को सोचना इस बात पे चाहिए कि इतनी नाकामियों के बावजूद भी नरेंद्र मोदी की ये साख इतनी अच्छी क्यों है। जी, इसलिए मैं कहता आपने, 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 आपने खुद ही सवाल खड़ा किया जो सवाल मुझे खड़ा करना चाहिए, अब इसका उत्तर भी दीजिए। नहीं, इसका उत्तर कोई ऐसा सिक्का बंद उत्तर नहीं है, हम लोग केवल विश्लेषण कर सकते हैं। और जो पहली बात मुझे समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी एक लिहाज से बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि ऐसे जमाने में उनका उत्थान हुआ है, उनकी राजनीति का उभार हुआ है, जबकि न केवल उन पार्टी के बाहर यानी उनके विपक्ष और पार्टी के अंदर भी
जो नेता मौजूद है उन जनता जब उनकी नरेंद्र मोदी से तुलना करती है तो नरेंद्र मोदी उनके मुकाबले काफी उसे उसे बेहतर नजर आते हैं। इसीलिए एक टीना फैक्टर बनता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का विकल्प न केवल संसदीय विपक्ष के संदर्भ में नदारद है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उनके नेतृत्व को किसी किस्म की चुनौती नहीं है। आपको ध्यान होगा अटल बिहारी वाजपेयी की 90 के दशक की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व को जबकि वो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, बड़ा उनका सम्मान था, उसके बावजूद भी पार्टी के अंदर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर से अटल बिहारी वाजपेयी को लगातार चुनौती मिलती रहती थी। संघ हमेशा दबाव डालता रहता था कि आप या तो सत्ता छोड़ दीजिए लालकृष्ण आडवाणी के लिए या आप सत्ता में हिस्सेदारी कीजिए। इसलिए मजबूरी में अटल बिहारी वाजपेयी को लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री स्वीकार करना पड़ा था, जबकि नरेंद्र मोदी की साथ ये स्थिति नहीं है। नरेंद्र मोदी का ना पार्टी के अंदर कोई चुनौती है और ना पार्टी के बाहर कोई चुनौती है। ऐसी असाधारण चुनौती विहीन स्थिति आमतौर पर नेताओं के लिए उपलब्ध नहीं रहती है और इसका एक खास तरह का कारण है, वो भी मैं उसको रेखांकित कर देना चाहता हूं। जब 2012 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात का चुनाव तीसरी बार जीता, उससे पहले वो पूरी पेशबंदी कर चुके थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के लिए। देश का जो बड़ा कारपोरेट तंत्र था वो उनके पक्ष में झुका हुआ था और एक अमेरिकी संस्था के जरिए उन्होंने लगातार अपनी छवि राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात मॉडल के जरिए प्रक्षेपित करने शुरू कर दी थी। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं उन लोगों के नाम नहीं लूंगा, भाजपा के अंदर आला कमान के कई लोग जो आज नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, वो उस वक्त चाहते थे कि गुजरात के चुनाव में उनका परिणाम खराब निकले। गुजरात के 2012 के चुनाव में अगर उनका परिणाम खराब निकलता तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी नहीं कर पाते, क्योंकि उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस निर्णय पर पहुंच चुका था कि वो बिना किसी चेहरे के 2014 का चुनाव लड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने गुजरात का चुनाव ठप्पे के साथ जीता और जीतते ही उन्होंने राष्ट्रीय मंच पर अपनी दावेदारी शुरू कर दी। वरना भाजपा में क्षेत्रीय नेताओं के केंद्रीय नेता बनने की परंपरा नहीं थी, जो केंद्रीय नेताओं का एक जो कैचमेंट एरिया था, उनका एक छोटा सा गुट था, उसी के अंदर से नेतृत्व की स्पर्धा होती रहती थी और वो स्पर्धा भाजपा में बहुत बुरी तरह बहुत खराब तरीके से हो रही थी, एक तरह का लतियाव चल रहा था। विपक्ष की पार्टी के तौर पर भी 10 साल में भाजपा ने कोई खास तीर नहीं मारा था। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक सांगठनिक हालत बहुत बुरी थी, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता था, हर एक कहता था कि वही प्रधानमंत्री पद का सबसे अच्छा दावेदार है। और जब संघ परिवार ये कहता था, राष्ट्रीय संघ ये कहता था कि हम बिना नाम के बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे, तो भाजपा में इस बात पर लोग बड़े संतोष के साथ सिर हिलाते थे। लेकिन जब 2013 में भाजपा के अंदर जबरदस्त संग्राम करके मजबूरी में लोगों को अपने सामने झुकाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए, तब एक बार ये साबित हुआ कि भाजपा के आला कमान के जो उस वक्त नेता थे, ये नेताओं के सबके हम नाम जानते हैं, उसमें एक दो का तो देहांत भी हो गया है, उन नेताओं को उन नेताओं के चेहरे भाजपा के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को नापसंद थे, इसीलिए उन्होंने मोदी मोदी की लगातार आवाज उठाकर उन नेताओं को मंच से उतार दिया और नरेंद्र मोदी उस मंच के ऊपर आरूढ़ हो गए। अकेले नरेंद्र मोदी आरूढ़ हुए, उन्होंने भाजपा पर कब्जा किया और भाजपा पर एक बहुत ही केंद्रीकृत नेतृत्व उन्होंने स्थापित किया। और आप देखिए, लालकृष्ण आडवाणी की नीति ये थी NDA++, यानी जितना आप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ को मजबूत करेंगे, जितनी नई ताकतें उसके अंदर लाएंगे, उतनी भाजपा मजबूत होगी। नरेंद्र मोदी ने इस नीति को भी खारिज कर दिया, उन्होंने कहा NDA++ नहीं, BJP++, हम जितना भाजपा को मजबूत करेंगे उतना ही हमारे सहयोगी दल हमारे साथ रहने के लिए मजबूर होंगे हमारी अपनी शर्तों पर। उन्होंने भाजपा के ऊपर एक केंद्रीकृत नेतृत्व स्थापित किया, भाजपा को एक चुनाव लड़ने की मशीनरी में तब्दील किया, उसका बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, भाजपा को एक बहुत बड़ी पार्टी बनाया और साथ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ के अपने सहयोगी दलों को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर किया और उनके सामने कहा कि हम क्षेत्रीय स्तर पर आपसे दोयम दर्जे के खिलाड़ी नहीं रहेंगे,
उन्होंने अपने सहयोगी दलों से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी छीनी, उन्होंने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी छीनी, उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार से कहना शुरू किया कि माप के बराबर हमें सीटें चाहिए, उन्होंने पंजाब में अकाली दल से कहना शुरू किया कि हमें आपके बराबर सीटें चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में भाजपा को वास्तव में पुराने जमाने की कांग्रेस की तरह, जो हर क्षेत्र में भी मजबूत थी और केंद्र में भी मजबूत रहती थी, एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर विकसित करना शुरू किया। ये सब पिछले 5-6 साल में बहुत ही असाधारण उपलब्धियां हैं नरेंद्र मोदी की, जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है आमतौर पर, उनके आलोचकों का ध्यान तो निश्चित रूप से नहीं जाता है। अगर किसी पार्टी का संगठन के तौर पर विकास हुआ है पिछले 6 साल में हमारे वर्कर्स ने जो बीजेपी के हैं उन्होंने उन सारे लोगों को पसंद नहीं किया जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लोग हैं। सवाल ये है कि क्या इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ये कंट्रोल ये साउंड वो कर रही है वापस आ रही है इको कर रही है। एनीवे अभी अगर आपके पास आवाज आ रही है तो समझाने की कोशिश करिए, आवाज आ रही है आप बोलिए। अच्छा तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कुल मिलाकर के मैं इसको निकाल के बात करता हूँ, सिर्फ ये कहना है कि नहीं फिर भी इको आ रही है। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो पार्टी का वर्कर है उस वर्कर को अटल जी के जमाने तक या आडवाणी जी के जमाने तक चूंकि पावर में हिस्सा नहीं मिल पा रहा था, उसको ये लगा कि अगर एक नया नेतृत्व आएगा, खासकर नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व आएगा, तो हमें भी पावर में हिस्सा मिलेगा, हमारे हाथ भी कुछ आएगा, इसलिए हमें किसी भी दूसरे नेता की जगह नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनना चाहिए। और आपके उस शब्द को कि उन्होंने बाकी सब लोगों को मंच से अपनी आवाज से हटा दिया और मोदी जी को आरूढ़ कर दिया, इस सोच में कोई दम है? नहीं, देखिए इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से मैं देखना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में था, यानी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हुआ करते थे, उस जैसे ही 2004 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हारा और कांग्रेस की सत्ता हुई, तो जो अगले 10 साल गुजरे यानी 2014 तक जो समय गुजरा, उस समय में जो केंद्रीय नेतृत्व था उसकी साख गिर गई, क्योंकि अटल जी तो मैदान में थे नहीं, अटल जी ने तो रिटायरमेंट ले लिया। 2009 का चुनाव आडवाणी जी के नेतृत्व में लड़ा गया जी, 2009 का चुनाव करते रहे मैं जरा वो हार गई जी, कुछ बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ थोड़ा हो रहा होगा क्योंकि कुछ इंटरनेट की गड़बड़ जी। हाँ 2009 का नेतृत्व आडवाणी जी के 2009 का चुनाव आडवाणी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, वो भारतीय जनता पार्टी फिर से दोबारा हार गई, वो पहले से ज्यादा हारी। तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं का कोई भरोसा जो मौजूदा आला कमान था भाजपा का उसमें नहीं रह गया। आप देखिए बहुत बुरी हालत थी अटल जब, मान लीजिए आपको घटना याद होगी कि जब उमा भारती अपने पैर पटकते हुए भाजपा की जिसको आडवाणी जी संबोधित कर रहे थे उस सभा से उठ के चली गई थी, तो सब लोग अपनी अपनी हाँकते थे, कोई केंद्रीकृत मजबूत नेतृत्व नहीं था। आडवाणी जी की अपनी साख कार्यकर्ताओं में पाकिस्तान वाले जिन्ना वाले प्रकरण के बाद में लगातार गिरती जा रही थी। 2009 का चुनाव हारने के बाद तो फिर उनको पुरानी बात उनकी कोई बची नहीं थी आडवाणी जी की। ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी दरअसल अघोषित रूप से नए नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही थी, और जो नेतृत्व से लाल नरेंद्र मोदी के रूप में प्राप्त हुआ। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पहला चुनाव लड़ा और जो चुनाव लड़ने की उनकी पूरी शैली थी, और जिस शैली में उन्होंने उन लोगों को भी उस पूरी मुहिम में ठीक से शामिल कर पाया जो खुद उनके साथ प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें चुनौती दे सकते थे, जैसे कि राजनाथ सिंह जी, जैसे कि नितिन गडकरी जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष थे, जो उन्हें चुनौती दे सकते थे, उन सबको उन्होंने उस मुहिम में शामिल किया, और इस तरह धीरे धीरे करके उन्होंने अपने कदम मजबूत किए। इस बीच में कई बार ऐसे मुकाम आए जब लगा कि उनके नीचे की जमीन हिलने वाली है, बिल्कुल उनके लिए बहुत आसान रास्ता नहीं रहा। पहला मुकाम तो तब आया जबकि 2015 में भारतीय जनता पार्टी दो चुनाव
दो प्रतिष्ठा के विधानसभा चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार गई। संतोष जी आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? आपका फ्रेम बिल्कुल फ्रीज हो गया। अब ये इंटरनेट की समस्या है जी। जी बताइए क्या किया जाए। नहीं कुछ नहीं, शुरू कीजिए, बस आ गए हम लोग लाइन पे। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जो अपना सिक्का नरेंद्र मोदी ने जमाया है, ये रास्ता उनके लिए बहुत कोई आसान नहीं रहा है। इस बीच में कई तरह के उतार चढ़ाव आए, कुछ किस्मत का भी खेल रहा, कुछ की अपनी कोशिश भी रही कि हमेशा बात उनके पक्ष में चली गई। जैसे पहला बड़ा संकट उनकी राजनीति नेतृत्व के लिए तब आया जब भारतीय जनता पार्टी दो प्रतिष्ठा के विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हार गई 2015 में। देखिए 2014 में वो चुन के आए, ठीक एक साल के बाद में दिल्ली के मैदान में भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी पराजय हुई, केवल 3 सीटें प्राप्त हुई। बिल्कुल। उसके बाद बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से, लालू का और नीतीश का गठजोड़ था उसके मुकाबले बहुत बुरी तरीके से हार गई। और जैसे ही ये दो चुनाव हारे, वैसे ही जिन नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल लिया गया था उन्होंने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के बाद लगा कि भाजपा के अंदर बड़ी जबरदस्त भगदड़ मच जाएगी। लेकिन किसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने उस वक्त परिस्थिति को संभाला और 2017 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ उसको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीता, उससे 2015 की उन दोनों पराजयों का जो दाग था, न केवल वो दाग मिट गया बल्कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव ने नरेंद्र मोदी की साख को कायम कर दिया और वो आज तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर देखिए आप 2017 से पहले 2016 में उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, उन्होंने नोटबंदी की, उस नोटबंदी से जो परिस्थिति बनी उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, उससे एक बार भी लगा कि शायद जनता का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी से नाराज है, लेकिन वो बात भी गलत साबित हुई। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब जब नरेंद्र मोदी से गलतियां हुई, जब जब नरेंद्र मोदी को राजनीतिक पराजय का सामना करना पड़ा, उस वक्त उनके विरोधियों ने समझा कि शायद यही वो मुकाम है जहां से उनके पूरे उनकी पूरी साख में और उनके दबदबे में गिरावट होनी शुरू होगी। लेकिन वो गिरावट नहीं हो पाई। जो परिस्थिति बनी थी उसका लाभ उठाने के लिए न भाजपा के भीतर और न भाजपा के बाहर नरेंद्र मोदी के विपक्षी तैयार नहीं थे, उनके उन्होंने इस क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया। ना भाजपा के अंदर चुनौती खड़ी हुई और ना भाजपा के बाहर उनके लिए कोई चुनौती खड़ी हुई। मैं इन दोनों बातों को बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी का सिक्का इसलिए भी जमा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी उन्हें कोई चुनौती देने का साहस नहीं कर पाता है और भारतीय जनता पार्टी के बाहर जो विपक्ष है वो एकताबद्ध होकर उनको चुनौती नहीं दे पाता। तो इसलिए नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी कई नाकामियों के बावजूद भी अपने आप को बचा ले जाते हैं और उत्तरोत्तर उनकी लोकप्रियता जो है, लोकप्रियता का ग्राफ बना रहता है। अब मैं फिर अपने जो मुख्य विषय है उसके ऊपर आता हूँ, राजनीतिक स्थिरता के ऊपर। राजनीतिक स्थिरता लाने में विपक्ष के जो भी नेता इस समय उपलब्ध हैं, आप ममता बनर्जी से चले जाइए दक्षिण में चंद्रबाबू नायडू तक, जिसमें अखिलेश नीतीश ये सब शामिल हैं, क्या इन सब के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है कि राजनीतिक स्थिरता ला पाएंगे या ये नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं? राहुल गांधी भी उसमें एक बड़ा नाम है, कि उनके ऊपर भी भरोसा है या नहीं, कारण क्या है? क्योंकि कारण समझने की कोशिश करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के साथ सिर्फ भाग्य है, उनकी राजनीतिक कुशलता है, या लोगों को ऐसा लगता है कि एक यही महानायक है जो इस देश का भाग्य संवारेगा, चाहे वो धर्म के आधार पर हो चाहे वो अर्थव्यवस्था के आधार पर। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी के बाद में नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेता मिला है जिसके बारे में इस देश का जो अभिजन है, इस देश का जो इलीट है, उसने मान लिया है कि इस व्यक्ति के इर्द गिर्द एक राष्ट्रीय सहमति बन सकती है या बन गई है। इसलिए
नरेंद्र मोदी के समर्थक ऐसा नहीं है कि वो सारे नरेंद्र मोदी भाजपा ने अपने पैसे के दम पे खरीदे हैं या राजनीतिक प्रभाव के दम पे उनको अपने सामने झुका लिया है, हैं? ऐसे लोगों ऐसे लोग भी हैं, ऐसे टीवी चैनल भी हैं, ऐसे मीडिया मंच भी हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, हैं? जिन्हें सरकार से कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन ऐसे लोग संख्या में बहुत कम है। ज्यादा लोग ऐसे ही हैं जो कि ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द एक राष्ट्रीय सहमति बनी हुई है, एक नेशनल कंसेंसस बना हुआ है। उस नेशनल कंसेंसस धीरे धीरे बन रहा है और मजबूत हो रहा है, और इस प्रक्रिया में कोई विघ्न नहीं डालना चाहता। जब नेशनल कंसेंसस बन जाता है तो सब लोगों को बड़ी सुरक्षा सी महसूस होने लगती है, और उस नेशनल कंसेंसस की मजबूती से सरकार की जो नाकामियां हैं, लोग भरोसा करने लगते हैं कि भाई नाकामी है, कमजोरी है, लेकिन ये बंदा इसको ठीक कर सकता है। तो मान लीजिए कोई तबका मोदी सरकार से नाराज है, लेकिन उम्मीद भी उसको मोदी सरकार से ही है कि अंततः यही 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 सरकार हमारे काम आएगी। और उसका और उसकी एक वजह है, मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा ने अपने संगठन का जो प्रचार जो विकास किया है, जो प्रसार किया है, जो राष्ट्रव्यापी प्रसार किया है। आप देखिए, उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की कोई के कदम नहीं होते पड़ते, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कमजोर थी, आज भी कमजोर है, लेकिन पहले के मुकाबले मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर उत्तर भारत की, मध्य भारत की और पश्चिमी भारत की पार्टी हुआ करती थी। जो उत्तर पूर्व में ईस्टर्न हिस्से में भाजपा ने अपनी ताकत बढ़ाई है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अब वास्तविक अर्थों में एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। देखिए, मेरा कहना है कि अगर हम लोग नरेंद्र मोदी की हर बात में खामी ढूंढना चाहें, जो हम लोग ढूंढते हैं, हमें ढूंढना भी चाहिए, हम उनकी आलोचना करते हैं, कड़ी से कड़ी आलोचना करते हैं, और ये किसी भी समीक्षक का काम है और उसका दायित्व है कि वो सरकार की कमियों को उजागर करके जनता के सामने लाए। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि पिछले 6 साल से ज्यादा समय तक एक नेता और एक पार्टी जमी हुई है, हमें उसकी विफलताओं का पता है, हमें उसके कहां कहां चुनाव हारी है, कहां कहां चुनाव जीती है, ये सारे आंकड़े हमारे पास हैं। अर्थव्यवस्था की कितनी बुरी हालत है, विदेश नीति की कितनी बुरी हालत है, लोगों की जिंदगी अनिश्चित है, इसके बावजूद भी लोगों को राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास है। ये विश्वास क्यों है, इसकी दो वजह मैंने आपके सामने बताई। पहली तो यह है कि लोगों को लगता है कि एक पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय दावेदारी केवल इसी व्यक्ति और इसी पार्टी के पास है, केवल यही पार्टी फैल रही है, इसी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, बाकी ना कोई पार्टी फैल रही है ना किसी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। दूसरा, लोगों को लगता है कि इसके खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनके उनकी अपनी साख लगातार सिकुड़ रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि साख गिर रही है, मैं कह रहा हूं उनकी साख और उनका प्रभाव क्षेत्र लगातार सुपुर्द लगातार से। जो लोग व्यापक रूप से दलित बिरादरियों के नेता, वो एक जाति के नेता रह गए। जो लोग व्यापक रूप से पिछड़े वर्ग के नेता माने जाते थे, वो भी उसमें किसी एक बड़ी जाति के नेता रह गए। तो ये जो क्षेत्रीय शक्तियां लगातार कमजोर हो रही है। अब देखिए, अकाली दल की आज स्थिति क्या है, अकाली दल का प्रभाव क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। शिवसेना भी आज पहले की तरह सत्ता में जरूर है, 3-2 पार्टियों की मदद से, लेकिन आज पहले की तरह उतनी ताकतवर पार्टी नहीं रह गई है। तो भारतीय असम गण परिषद को आप देखिए, वो पहले ऐसी ताकतवर पार्टी नहीं रह गई है जो एक बार असम अस्मिता को वो परिभाषित करती थी अपने नाम से। तो लगातार क्षेत्रीय शक्तियों में भी गिरावट आई है। आज तेलुगु देशम भी पहले की तरह शक्तिशाली नहीं रह गई है, क्षेत्रीय शक्तियों में गिरावट आई है। इस भाजपा का स्पेस और ज्यादा, भाजपा ने स्पेस अपने लिए और ज्यादा बढ़ाया है, और भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी बिल्डिंग का एक फार्मूला पेश किया है। पार्टी बिल्डिंग, मैं शब्द के ऊपर खास तौर से जोर दूंगा जी, पिछले 6 साल में केवल एक ही पार्टी ने अपनी सदस्यता का विस्तार किया है, केवल एक ही पार्टी ने एक से अधिक क्षेत्रों में अपने लिए सत्ता प्राप्त की है। न केवल उसने अपनी पुरानी सत्ता को कायम रखा है मोटे तौर पर, कहीं गिरती है कहीं उठती है वो सब ठीक है, लेकिन नए क्षेत्रों में भी उसने अपनी सत्ता का विस्तार किया है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो उसके आलोचकों और समीक्षकों को चाहिए कि इन बातों का ठीक से नोटिस लें। केवल छोटी छोटी बातों के आधार पर ये उम्मीद करना ना शुरू कर दें कि भाई भाजपा भारतीय जनता नरेंद्र मोदी की सरकार हिलने वाली है। अभी जैसे देखिए, जो कृषि के 3 कानून बनाए, इसके ऊपर
हरियाणा और इसकी बार लोगों ने पिछली बार कार्यक्रम भी किया था, हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलन शुरू हुआ, अभी भी जारी है और बड़े पैमाने पर जारी है। लेकिन मुझे इससे भाजपा बहुत चिंतित नहीं लग रही। अकाली दल ने सवाल पर पहले सरकार का और उसके बाद में एनडीए का साथ छोड़ दिया। मुझे नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कोई विशेष रूप से चिंतित है। उसका एजेंडा ज्यादा बड़ा है कृषि के मामले में, जिस तरीके से वो उसने हस्तक्षेप, कानूनी हस्तक्षेप किया है, जिस तरह उसके पूरे चेहरे को वो बदल देना चाहती है, हैं? उसका एजेंडा बहुत बड़ा है। वो इसकी बिल्कुल फिक्र में नहीं है कि स्थानीय स्तर पर जो शक्तियां जो हैं वो उसके साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव में आने वाली गिरावट, अन्य विपक्षी शक्तियां हैं उनके राजनीतिक संगठनों का विस्तार ना हो पाना, और उनके नेताओं का जो व्यक्तिगत आचरण रहा है पिछले 20-25 साल में, उससे उनकी साख का लगातार गिरते जाना है। और उसके मुकाबले जब लोग नरेंद्र मोदी को रख के देखते हैं तो उनको हमेशा लगता है कि ये आदमी, इस आदमी के ऊपर भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगाया सकता, इस आदमी के ऊपर निजी तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। ये कहा जा सकता है कि वही फलानी फलाने मामलों में इस आदमी ने अपना वायदा उतना पूरा नहीं किया जितनी उससे उम्मीद की जा सकती थी। तो किसी भी पार्टी से कोई भी पार्टी 100% तो वायदे अपने पूरे करती नहीं है, हमेशा उसका गिलास आधा भरा रहता है आधा खाली रहता है। तो प्रचार की दम पर नेता अपनी साख के दम पर जनता को दिखाता है कि हमारा गिलास आधा भरा हुआ है, विपक्षी कहते हैं नहीं आपका गिलास आधा खाली है। जनता तय करती है गिलास आधा भरा हुआ है कि गिलास आधा खाली है। 2019 के चुनाव में जनता ने तय किया कि भाई गिलास आधा भरा हुआ है, सकारात्मक दृष्टि से देखा। विपक्ष नहीं दिखा पाया कि नहीं गिलास ही आधा खाली है, विपक्ष की बात पर लोगों ने यकीन नहीं किया। और इसका कारण है, इसका कारण यह है कि 2014 के चुनाव में विपक्षी एकता का जो इंडेक्स था वो शून्य था। मुझे उम्मीद थी कि 2019 में विपक्षी एकता का इंडेक्स बेहतर होगा, लेकिन 2019 के चुनाव में भी विपक्षी एकता का इंडेक्स तकरीबन शून्य ही रहा। अब मैं आपको बताता हूं उसका एक नमूना, विपक्ष किस तरीके से लगातार भ्रमित है नीति को लेकर। आप बीजू जनता दल को देखिए, बीजू जनता दल ने लोकसभा में जिस बिल का समर्थन किया, राज्यसभा में उसी बिल का उसने विरोध किया। भाई ऐसा कैसे होता है, एक ही पार्टी एक दो दिन के अंतर से अपनी नीति में 180 डिग्री का अंतर कैसे दिखा सकती है? तो ये बहुत बड़े कारण है। दूसरे, विपक्ष को चाहिए कि अगर वो नरेंद्र मोदी और उनके उभरते हुए ग्राफ को खींच के नीचे लाना चाहता है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर भाजपावाद खड़ा करे। देखिए, हम और आप समाजवादी आंदोलन के इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ हैं, एक तरह से हम लोग उसी राजनीति की पैदाइश है। और हम लोग जानते हैं कि 60 के दशक में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में एक गैर कांग्रेसवाद का पूरा ढांचा, पूरी राजनीति खड़ी की गई थी। और उस राजनीति ने जो कांग्रेस का वर्चस्व था उस वर्चस्व को हिलाने में, तोड़ने में बड़ी भारी कामयाबी हासिल की। वैसा इन लोगों को एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहिए जो अलग अलग विचारधाराओं वाले, अलग अलग राजनीतिक हितों वाले दलों को लाकर एक मंच पर खड़ा कर दे। अब आपने एक सवाल उठाया था कि जो राजनीतिक स्थिरता है, क्या राजनीतिक निरंकुशता को निमंत्रण देती है? बिल्कुल देती है। मैं तो लगातार बहुत दिनों तक एक आंदोलन में कार्यकर्ता रहा हूं, इस आंदोलन का काम ही था इंदिरा निरंकुशता के खिलाफ संघर्ष करना। इंडियन पीपुल्स फ्रंट के पदाधिकारी के तौर पर, उसके कार्यकर्ता के तौर पर हम लोग इंदिरा निरंकुशता के खिलाफ संघर्ष का कार्यक्रम लिया करते थे। ये एक संसदीय किस्म की निरंकुशता है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हम जो मन में आए करेंगे, उसे निरंकुशता कहा जाए या ऐसे सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसीज कहा जाए, मतलब केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां कहा जाए, बहुत ही कठोर किस्म के केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां कहा जाए, जिसको चिदंबरम कहते हैं कि जो एक देश एक कानून, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सब जो एक 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 है, मतलब जो है जो नरेंद्र मोदी और उनके पैरोकारों की तरफ से बार बार कहा जाता है, जो विविधता बहुलता और अनेकता का निषेध करता है, ऐसे एक को जनता पसंद करती है। क्योंकि जनता को भी एकता चाहिए, जनता को एकता चाहिए क्योंकि उसे उस एकता में सुरक्षा की अनुभूति होती है। अनेकता में किसी को सुरक्षा की अनुभूति नहीं होती।
तो नरेंद्र मोदी और उनके पैरोकारों ने, उनके प्रचारकों ने, उनके रणनीतिकारों ने ये बात लोगों के दिमाग में डालने में कामयाबी हासिल की है। और जब तक विपक्ष भी एक होकर नहीं दिखाएगा, अगर देखिए विपक्ष का सारे देश के पैमाने पर अगर एकजुट हो जाती है और एक गैर भाजपावाद का पूरा ढांचा खड़ा हो जाता है, तो आप देखिए नरेंद्र मोदी को पहले चुनाव में 31% वोट मिला था, दूसरे चुनाव में उनको 38% वोट मिला था, तो उनको बाकायदा चुनौती दी जा सकती है। कुछ इलाकों में उनको 50% से ज्यादा वोट मिला, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उनको वोट 38% ही प्राप्त हुआ। क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है, इसलिए 38% वोटों में उनकी सीटें बहुत हो जाती हैं। बिल्कुल, विपक्ष विपक्ष की एकता का इंडेक्स का सूचकांक जब तक शून्य रहेगा, जब तक वो 25%, 30%, 45% नहीं होगा, उस वक्त तक नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब मेरे आखिरी दो सवाल हैं मित्र। पहला सवाल यह है कि आप क्या मानते हैं कि देश में इस समय जितने विपक्षी नेता हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सारे नाम आपके उंगलियों के ऊपर हैं, आपको क्या लगता है इनमें से कोई ऐसा है जो विपक्षी एकता का झंडा खड़ा करे और उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाए? क्या राहुल गांधी में ये क्षमता आपको दिखाई देती है, या गांधी फैमिली में किसी में, दूसरा नाम प्रियंका गांधी का है, क्या इनमें किसी में आपको दम दिखाई देती है कि राष्ट्रीय पैमाने पर ये विपक्षी नेताओं को एक साथ कर सकते हैं? और जिसका, जिस शब्द का आपने जिक्र किया, गैर भाजपावाद के सिद्धांत को सामने लेके आ सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। देखिए मुझे लगता है कि तकनीकी तौर पर भाजपा के बाद देश की बड़ी पार्टी होने के नाते ये काम कांग्रेस का है, कांग्रेस का है और कांग्रेस के नेता का काम। कई बार राहुल गांधी ने इस तरह की इच्छा व्यक्त की है और ऐसा वो कुछ शुरू शुरू में करते हुए भी लगे, शुरुआत करते हुए लगे है, लेकिन फिर बाद में वो नहीं कर पाए। कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि वो प्रदेशों में किस तरीके से अपनी राजनीति करेगी और क्षेत्रीय ताकतों को अपने साथ में कैसे जोड़ेगी। कांग्रेस अभी वो फार्मूला नहीं बना पाई है, इसकी वजह से कहीं तो एकता कर लेती है और कहीं जो हुई हुई एकता है उसको बिगाड़ देती है कांग्रेस, तो दरअसल वो कुछ हो नहीं पाता है। एक अन्य व्यक्ति था जिसके इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर एक विपक्षी एकता, एक गैर भाजपाई एकता बन सकती थी, उसकी निजी साख थी, वो व्यक्ति था नीतीश कुमार। 2015 का जो चुनाव लड़ा गया उसमें जो जीत हासिल हुई उसके बाद ऐसा लगा कि इस व्यक्ति के इर्द गिर्द एक पूरा गैर भाजपाई राजनीति का एक ढांचा तैयार हो सकता है। नीतीश कुमार दिल्ली आते थे तो वो जितनी उम्मीद करते थे कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें जितना हाथों हाथ लिया जाएगा, जो उनका स्वागत होगा और जिस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाएगा, वैसा उनको लगा कि कांग्रेस ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए शुरू के 6-7 महीने बाद उन्हें ऐसा लगा कि अब मुझे इसकी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, मुझे बिहार की राजनीति करनी, राष्ट्रीय राजनीति में मेरे लिए गुंजाइश है नहीं। शुरू में वो राष्ट्रीय राजनीति में गुंजाइश उन्होंने कई बार टटोली, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये नहीं है, कांग्रेस हमारे लिए कोई जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। और फिर जब बिहार की राजनीति में उनके अपने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव से मतभेद शुरू हुए और सरकार गड़बड़ाई, तो उन्होंने फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए और उन्होंने मान लिया कि मेरा जो प्रारब्ध है वो बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे, जितने दिनों तक मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना रह सकता हूं मैं बना रहूंगा। इसके अलावा मुझे और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं दिखाई पड़ रही है जो ऐसा करके दिखा पाऊं। अभी भी गेंद पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर एक गठजोड़ खड़ा करना होगा और उसके लिए पहले क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस को इस बात के संकेत दिखाने होंगे कि वो ऐसा करने के लिए तैयार है। होता यह है कि आप अलग अलग, कर्नाटक में हुआ, अलग अलग सबने चुनाव लड़ा, फिर भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए आपने देवगौड़ा की पार्टी से एक असाधारण किस्म का समझौता कर लिया, समझौता कर लिया, उससे लगा कि कांग्रेस शायद राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के बहुत सारे काम करने वाली है, लेकिन हुआ नहीं। ये कर्नाटक का मॉडल कहीं और दोहराया नहीं जा सका।
यहां तक कि दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी समझौता कर लेते तो कोई लोकसभा के चुनाव में कोई बड़ा भारी परिवर्तन आ जाता, लेकिन जब एक बार आप समझौता करके चुनाव लड़ते हैं तो उससे जो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है इसकी आप पहले से नहीं कल्पना कर सकते, वो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट तो नहीं पैदा हो पाया। बिल्कुल हाँ, वोट बट जाते हैं, वोट एक होते हैं, मतलब आप हारते भी हैं तो फिर हारने के बावजूद भी आपका वकार बड़ा ऊंचा रहता है। बिल्कुल। अब ये आखिरी सवाल अभय भाई आपसे पूछना ये चाह रहा हूं मैं कि और ये और मेरी समझ से ये सवाल थोड़ा रिलेवेंट है, वो ये कि अगर आपके पास राजनीतिक स्थिरता हो जैसी आज है कि आपके लिए न विपक्ष में कहीं चुनौती है न पार्टी के भीतर चुनौती, जिसका आपने बहुत ही सारगर्भित विश्लेषण किया, इस चुनौती के न होने के बावजूद और जनता ये मानती है कि आप ही हमारे तारणहार हैं, आप ही देश का भाग्य और भविष्य बदल सकते हैं, सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, ऐसे समय आप एक ऐसी इमारत को नहीं संभाल पा रहे हैं जिसके कोने धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, जिसका आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, लोगों की जिंदगी, लोगों के सपने, पर इसके बावजूद लोग आपको भरोसा दे रहे हैं। लेकिन जो दिखाई देता है जिस तरीके से इस सरकार के खंभों में इसको संभालने वाले जो 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 इनकी मीनारें हैं वो कहीं पर इनको पूरा करती दिखती नहीं है, तो क्या इसकी जगह पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जब राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना हो तो नए नए चीज़ें सामने आती हैं, अब एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि 2000 अगले 15 सालों तक चुनाव न हो और देश को एक विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ाया जाए, मौजूदा सरकार रहे, प्रधानमंत्री एक रहे और वो जैसे चाहे वैसे देश को चलाए और देश को इन समस्याओं से निजात दिलाए। जैसे शुरू में कहा गया था कि पहले 5 साल तो इन्होंने गड्ढे भरने में लगाए, जो कांग्रेस गड्ढे पैदा करके या विपक्षी गड्ढे बना के गई थी, अब हो रहा है कि वो सब ठीक है, पर अगर तेजी से जाना है तो लोगों के दिमाग से ये डर निकालना होगा कि अगले चुनाव में कोई और प्रधानमंत्री हो सकता है। क्या ये संभावना है कि संविधान बदला जा सके? क्या ये संभावना है कि अगले 15 सालों तक चुनाव न हो, इसका फैसला ये संसद उसी तरीके से कर ले जैसे कृषि कानूनों के बारे में किया? क्योंकि देश में तो कहीं कोई विरोध किसी चीज़ का होने वाला है जिसे नरेंद्र मोदी जी इनिशिएट करें, ऐसा दिखाई नहीं देता। देखिए संतोष जी, ये जो बातें होती हैं ये बातें हर जमाने में होती रही हैं। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के जमाने में शशि भूषण जी थे, उन्होंने वो सीमित तानाशाही का एक फार्मूला लेके आए थे, उन्होंने अखबारों में लेख लिखे थे और उसकी पर बहस शुरू हो गई थी। फिर एक बार राष्ट्रपति शासन की प्रणाली इस देश में लागू हो, इसकी ऊपर चर्चा शुरू हो गई थी कि ये प्रधानमंत्री शासन की जो प्रणाली है, वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली है, इसको हटा के अमेरिकी ऐसा प्रधानमंत्री चुना जाए जिसके पास जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह बड़े अधिकार होंगे। फिर देखा गया कि भाई चुनावों का चरित्र जो है वो जनमत संग्रही होता जा रहा है, रेफरेंडम जैसा होता जा रहा है, तो क्यों ना फिर हम लोग अपना एक सर्वमान्य नेता चुन लें। तो इस तरह के विचार वगैरह आते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संसदीय लोकतंत्र का जो मौजूदा ढांचा है, मौजूदा तरीका है चुनाव लड़ने का, ये काफी भारत में कदम जमा चुका है और रूढ़ हो चुका है। कोई भी नेता अगर इससे हटने की कोशिश करेगा तो उसके ऐसे दुष्परिणाम हो सकते हैं जिसकी अभी हम कल्पना नहीं कर सकते, उस नेता के लिए मैं कह रहा हूं। एक बार जब ये लगने लगेगा कि नरेंद्र मोदी या कोई भी नेता जो है वो चुनाव की प्रक्रिया को ही 15 साल के लिए टाल लेना चाहता है और वो 15 साल के लिए देश का एक तरह से निरंकुश शासक बन जाना चाहता है, फिर जो राजनीति होगी उसके जो उसकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी, उसके जो उसकी जो अनुक्रियाएं होंगी, वो उसकी न नरेंद्र मोदी कल्पना कर सकते हैं, ना हम और आप कल्पना कर सकते हैं, वो कुछ और ही होगा। हाँ, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब बातें कहने वाली बातें हैं, इन बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये खुद भाजपा और नरेंद्र मोदी भी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते होंगे। इस वक्त भाजपा और नरेंद्र मोदी को ये खैर मनानी चाहिए अपनी
कि उनकी साख बची हुई है, लेकिन अगर वो अगले एक या दो साल तक परिस्थिति में एक रेडिकल किस्म का परिवर्तन नहीं ला पाए और कुछ बड़ा सुधार नहीं हुआ, तो उनको राजनीतिक नुकसान होना शुरू हो जाए। आपको याद होगा कि जब भाजपा का घोषणा पत्र 2019 वाला नरेंद्र मोदी ने जारी किया था, उस घोषणा पत्र में साफ लिखा हुआ था कि 2.5 साल बाद वो एक मिड टर्म रिव्यू करेंगे, और वो समय आने वाला है। मिड टर्म अपने लिए उन्होंने 75 लक्ष्य निर्धारित किए थे, याद है आपको ना? अच्छी तरह से हाँ, वो 75 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो वो सारा मिड टर्म रिव्यू होगा और उसका फिर एक सोशियो पॉलिटिकल ऑडिट होगा। हम सब लोग सार्वजनिक जीवन में इस सवाल के ऊपर बहस करेंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा भाजपा के लिए उन तमाम बातों का जवाब देना। तो उनको कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन इसी के साथ में मैं ये फिर कहूंगा कि इनका एक वेलफेयर मॉडल है, उसका अध्ययन होना बाकी है। नरेंद्र मोदी का एक लोकोपकार का एक मॉडल है, उस मॉडल में नकदी रियायतें लोगों तक पहुंचाने का एक उन्होंने सिलसिला बनाया है, चाहे वो जनधन खातों के जरिए बनाया हो या दूसरे खातों के जरिए बनाया हो। समाज के बहुत से तबकों के पास तरह तरह की रियायतें पहुंच रही हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि 100% सरकार इस काम में कामयाब है, लेकिन अगर सरकार 60% से 60%, 70%, 75% भी कामयाब है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ बिल्कुल, बाकी लोगों के लिए आशा पैदा हो जाती है ना, आशा पैदा हो, उम्मीद पैदा हो जाती है। तो वेलफेयर का मॉडल की पहिया लगातार चल रहा है। एक तरफ विफलताएं हैं, एक तरफ अर्थव्यवस्था का ग्राफ नीचे जा रहा है, विदेश नीति के नाम पर भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय साख है वो दांव पे लगी हुई है, दूसरी तरफ वेलफेयर सरकार अपने उस वेलफेयर मॉडल को लगातार नीचे तक पहुंचा रही है। अगर वो ठीक से न पहुंचा पाती होती तो अभी कोहराम मच गया होता। ठीक कह रहे हैं आप, पर मुझे ये बताइए कि जो सबसे बड़ा वेलफेयर मॉडल मनमोहन सिंह ने शुरू किया था मनरेगा के नाम पे, और वो उनको राजनीतिक फायदा नहीं पहुंचा पाया 2014 में के चुनाव में, और दूसरी तरफ जिस चीज की बात आप कर रहे हैं, ये लोगों की जिंदगी में पैसा सरकार पहुंचा रही है कुछ किसानों के यहाँ या औरतों के खातों में, खासकर उज्ज्वला वगैरह जो स्कीम है इनकी, जो आपने 71 कही उन्हीं में से सब तो नहीं कामयाब है, लेकिन जो कामयाब हैं उन्होंने आशाएं बहुत पैदा कर दी कि आज इसके पास आया है कल हमारे पास भी आएगा, और जिसकी वजह से बेरोजगारी कहीं कोई इशू बन नहीं पा रही है, अर्थव्यवस्था कहीं कोई इशू बन नहीं पा रही है। तो मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ इस सारी चीज में कि कांग्रेस उस मनरेगा का फायदा नहीं उठा पाई, या उस मनरेगा में जो भी भ्रष्टाचार हुआ उसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया 2014 में। देखिए, वेलफेयर के कई मॉडल होते हैं, कई प्रारूप होते हैं वेलफेयर की, मनरेगा एक प्रारूप है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही है, उसका वेलफेयर मॉडल मोदी के वेलफेयर मॉडल से अलग है, और इंदिरा गांधी का वेलफेयर मॉडल भिन्न था। मैं कह रहा हूं शीला दीक्षित का भी एक वेलफेयर मॉडल था, जो 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। इसी तरह आप देखिए जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनका वेलफेयर मॉडल है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का भी एक वेलफेयर मॉडल है। अगर हम लोग वास्तव में भारत में लोकतांत्रिक सरकारें किस तरह काम कर रही हैं, तो हमें इन वेलफेयर मॉडल्स का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। और जो नए वेलफेयर मॉडल है, यानी मनरेगा के बाद के वेलफेयर मॉडल है, इन मॉडल्स में सीधी सीधी आर्थिक रियायत देने के प्रावधान है, चाहे वो तेलंगाना का मॉडल हो, चाहे वो उड़ीसा का मॉडल हो, चाहे वो दिल्ली का मॉडल, चाहे वो नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्तर का मॉडल हो, इन सब में सीधी सीधी आर्थिक रियायत लोगों के परिवार में, उनके खाते में, उनकी जेब में पहुंचाने के तरीके हैं, प्रावधान है। ये एक नए किस्म का वेलफेयर है जो मनरेगा में नहीं होता था, इंदिरा गांधी के जमाने में नहीं होता था। तो जो सरकार ये करेगी लगातार, वो सरकार चुनावी फायदा भी उठाएगी। 2019 में नरेंद्र मोदी की जो जीत हुई है उसमें बहुत से, एक चुनाव एक कारण से नहीं जीता जाता, बहुत से कारण थे। उसमें पुलवामा की घटना हो गई थी, उसमें पाकिस्तान विरोधी उग्र राष्ट्रवाद भी खूब भड़काया गया, हमने घुसकर मारा, एक ये भी बड़ा कारण था। लेकिन केवल इसी वजह से भाजपा जीती हो मैं इसको नहीं मानता। अगर पुलवामा की घटना नहीं होती तो हो सकता है इतनी सीटें नहीं मिलती, फिर भी भाजपा सरकार तो भाजपा की ही बनती, क्योंकि विपक्षी एकता का इंडेक्स छोड़ता। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता
कहता हूं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार की नाकामियां हैं जो हम लोगों के सामने स्पष्ट है, खुद नरेंद्र मोदी के सामने स्पष्ट है, दूसरी तरफ उनकी सरकार का एक वेलफेयर मॉडल है जिसका पहिया लगातार सरकारी मशीनरी के जरिए चलाया जा रहा है, और हम लोग जो हैं उन नाकामियों पे ज्यादा जोर देते हैं, फोकस देते हैं उनको देखने में, हम लोग उस वेलफेयर मॉडल की समीक्षा नहीं करते, उसकी जांच नहीं करते, हम उसकी जांच नहीं करते, इसलिए सरकार को चुपचाप कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिलते रहते हैं, सरकार को चुपचाप कुछ हमदर्दी वो प्राप्त होती रहती है, और हम लोग उस हमदर्दी के बारे में, उस हमदर्दी के स्रोतों के बारे में अनभिज्ञ बने रहते हैं, कुछ जानबूझकर और कुछ मजबूरी में, क्योंकि हमारे पास रिसर्च के तौर तरीके नहीं है। मेरा तो मानना यह है कि पिछले 7 साल के अंदर जो तरह तरह के वेलफेयर मॉडल सीधे सीधे राहत पहुंचाने वाले बने हैं, अब देखिए कोविड के दौरान क्या हुआ, सरकार के पास 2 करोड़ टन अनाज होना चाहिए था, लेकिन उससे ज्यादा सरकार के पास 6 करोड़ टन अनाज था, सरकार ने बड़ी होशियारी के साथ में कई जगह मुफ्त अनाज बंटवाया है, सरकार भी उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं प्रचार कर रही है, लेकिन अनाज बंटवाया गया है कई जगह पर, मतलब तो जिन लोगों को इस दौरान मुफ्त अनाज मिला होगा, मतलब वो सरकार की कृतज्ञता महसूस कर रहे होंगे, तो ये चीजें धीरे धीरे करके सरकार के प्रति हमदर्दियां जमा होती रहती हैं, और इस वेलफेयर मॉडल के कारण ही स्थिति ये बन गई है कि जो जहां सत्ता में है उसको सत्ता से हटाना बहुत मुश्किल हो गया, राज्यों में जो मुख्यमंत्री जमे हुए हैं सत्ता में, आप क्या समझते हैं उनको हराना आसान काम है, मुझे नहीं लगता कि तेलंगाना में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या और दूसरी जगहों पर यहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं या जहां क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं या भाजपा की सरकारें हैं, उन लोगों को भी सत्ता से हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सत्ता की जो मशीनरी है उसका फायदा उठाकर वो सीधे सीधे लोगों को आर्थिक रियायतें दे रहे हैं। भाई जो बिल्कुल भूखा नंगा है उसके खाते में अगर 500 रुपए भी 3 महीने 1 महीने में पहुंच रहे हैं 500 रुपए, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। जब देश में किसानों की आमदनी नकारात्मक हो गई है, ऐसे में अगर किसानों के खाते में 1200 रुपए पहुंचते हैं या 2500 रुपए पहुंचते हैं और साथ में उम्मीद होती है कि अभी और आगे अगली किश्त आ रही होगी, तो फिर वो लोग सरकार के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं और जाके वोट कराते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभय जी, अभय जी, जो आपने विश्लेषण किया बीच में नेट से आवाज बंद हो गई थी, आप कुछ महत्वपूर्ण कह रहे थे। नहीं, मैं यही कह रहा था, वो आपने सारी बात आ गई है मेरे ख्याल से। मेरा कहना है कि जब तक हम लोग इन वेलफेयर मॉडल्स का ठीक से अध्ययन नहीं करेंगे और ये जनता के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, तब तक हम क्या होगा कि सरकार की जो दृश्यमान यानी साफ दिखाई देने वाली जो खामियां हैं वहीं अपनी आलोचना फोकस करते रहते हैं, और जहां पर सरकार को दृश्य हमदर्दियां मिल रही हैं हम उनको नहीं देख पाते, और ये केवल केंद्र सरकार का ही मसला नहीं है, ये राज्य सरकारों पर भी उतना ही लागू होता है। अभय जी ने जो बात कही, हम यहीं पर इस बात को इसलिए रोकेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत साफ शब्दों में राजनीतिक दलों के सामने एक शीशा रख दिया कि आप जब अपनी नीति बनाते हैं तो किस चीज को आप अनदेखा कर देते हैं, किस चीज को आपको देखना चाहिए, और खासकर उन समाज शास्त्रियों और राजनीति शास्त्रियों के सामने सवाल खड़े किए कि आपको जहां पर नजर डालनी चाहिए वहां पर आप नजर नहीं डाल रहे हैं। और इसीलिए अभय दुबे इस देश में अभय दुबे के नाम से जाने जाते हैं, वो कभी किसी भी सवाल को सुपरफिशियल या किसी के पक्ष में वो सब उस सवाल का उत्तर जाए इसको नहीं देखते। आज की चर्चा ने आपको बहुत कुछ बताया होगा, सिखाया होगा, समझाया होगा। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय अभय जी के साथ फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि इस देश के उन लोगों के लिए जो इस देश के बारे में सोचना समझना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, ऐसे ही सवालों को लेके आएंगे ताकि वो समझें कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले हफ्ते मिलते हैं। और सचमुच आपने बहुत ही एक जिसको कहना निष्ठुर समीक्षा की जो लोगों की समझ में आई होगी। नमस्कार।